ये देखें, ये तकरीबन 200 साल पुराना सीढ़ी है, पुरानी सीढ़ी जो काबा के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से थोड़ा सा, बस आप शेयर करें, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बस शेयर करेंगे मैं आपको चीज़ दिखाऊंगा। इस म्यूज़ियम के अंदर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है जी। जल्दी जल्दी शेयर करें। ये दोलाब जो है खाना काबा के अंदर रखा जाता है, ठीक है जी। ये पुराने खोल हैं जो ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का खोल है, हजर अस्वद का, और ये खोल जो सऊदी हुकूमत के शुरुआती दौर का है, ठीक है जी। ये जो है काबा को पकड़ने के लिए जो है गिलाफ काबा को, उसके लिए है किले, गिलाफ काबा को जो है मजबूत करने के लिए ये किले इस्तेमाल की जाती हैं। ये अभी सोने का दरवाज़ा लगा हुआ काबे पे, लेकिन ये जो है इसका है पीतल का और तांबे का दरवाज़ा बना हुआ है। काबे का पहला दरवाज़ा ये था। और ये देखें भाई, ये जो है सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो काबा के अंदर जो अलमारी रखी जाती है, ये वो है, तारीख इसकी देख लें 1858। ये जो है भाई, ये गिलाफ काबा बनाने की पहली मशीन इस तरह से बनाई जाती थी। इस मशीन से जो गिलाफ काबा बनाया जाता था, आप देखें। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, ये है अब्दुल्लाह इब्न जुबैर साहबा के दौर की जो है ये लकड़ी है। उस दौर में ये लकड़ी इस्तेमाल की गई थी, देखें 65 हिजरी। इन 1400 साल पुरानी लकड़ी है, ये काबा के अंदर इस्तेमाल की थी काबा की छत को पकड़ने के लिए। ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देखें, ये उसी लकड़ी का जो है, क्योंकि तीन पिलर होते हैं काबा के अंदर, एक पिलर तो मौजूद है और दूसरे पिलर का कुछ हिस्सा यहाँ पर मौजूद है। जितने भाई भी देख रहे हैं यार, शेयर ज़रूर करें आप लोग, ये ज़्यादती होगी आपकी तरफ से अगर आप शेयर नहीं करेंगे। ये देखें, ये जो है काबा के दरवाज़ा जो है उसके ऊपर जो है ये सोने की जो है पट्टी लगी होती थी सल्तनत उस्मानिया के दौर में, जो अभी तक मौजूद है यहाँ पर। चलते हैं आगे। ये देखें जनाब, काबा में तवाफ़ करवाने के लिए पहले ये जो है, ये देख रहे हैं आप, ये इस्तेमाल होता था। ये जो है इस लकड़ी के ऊपर बिठा के तवाफ़ करवाते थे बुजुर्ग लोगों को, ज़ईफ लोगों को। फिर उसके बाद ज़माने ने तरक्की की, फिर ये दौर आया व्हील चेयर, फिर ये दूसरे वाली व्हील चेयर आई, और आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर चल रही है हरम के अंदर। अल्लाह अकबर, ये आप देख रहे हैं, मैंने इसके ऊपर तफसीली जो है एक वीडियो बना चुका हूँ मैं भी लोग, वो आपको चंद दिनों में मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये पुराने पत्थर हैं सारे, ठीक है जी। आप इस तरफ आ जाएं, मज़े वाली चीज़ आपको दिखाओ। ये जो है देखें, ये देख रहे हैं आप, ये जो है अल्लाह आपका भला करे, ये कुरान मजीद का नुस्खा हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जब 4-5 नुस्खे बनाए गए थे, उन्हीं में से एक नुस्खा ये तो फोटो कापी है। इसका असल जो है इस्तंबुल तुर्की के अंदर मौजूद है। देखें सहाबा के दौर की लिखाई, इसे ख़त कुफी कहा जाता है, ये कुरान मजीद लिखा हुआ है। ये कहते हैं कौन सी सूरत है, ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, पढ़ा ही नहीं जा रहा, ये क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कुरान मजीद है ये। आ जाएंगे जल्दी जल्दी, याद कर लें आप लोग, मैं हाईलाइट दिखा रहा हूँ आपको इंशाल्लाह। ये देखें, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये मस्जिद नबी का मॉडल, ठीक है जी। और इस तरफ ये है, मेरा पेज को लाइक नहीं कर रहे आप लोग, मेरे ख्याल में लाइक करें, फॉलो करें ज़रूर। ये जनाब देखें आप, जमजम के कुएं के ऊपर ये बना हुआ था पहले, ठीक है जी। तारीख क्या है, 1881 ईस्वी, तकरीबन ये भी कोई 150 साल पुराना था, उसको अभी उतार के जो है जमजम के कुएं को बंद कर दिया गया है। बाकी ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वीडियो को शेयर करें ताकि जो है मज़ीद चीज़ों में आपको दिखाऊँगा। मैं ज़्यादा चाहता हूँ फिर इंशाल्लाह ताला मुकम्मल वीडियो के अंदर आपसे